एक सप्ताह पहले सेक्टर 29 बाईपास रोड पर हथियार के बल पर गाड़ी चालक के साथ 1,90,000 की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। फरीदाबाद के डीएसपी क्राइम मुकेश कुमार के दिशा निर्देश पर एसीपी क्राइम सुरेंद्र के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच 30 प्रभारी सेठी मलिक की टीम ने लूट की वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसीपी क्राइम सुरेंद्र सौरान ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तारी किए गए आरोपियों में सरफराज, नवाज खान, आकिब, समीर तथा सलमान का नाम शामिल है। आरोपी सलमान दिल्ली के संगम विहार का रहने वाला है, वहीं अन्य 4 आरोपी फरीदाबाद के इस्माइलपुर एरिया के निवासी है। सभी आरोपियों की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष है। आरोपी सरफराज की इस्माइलपुर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। इसके अलावा सभी आरोपी छोटी मोटी दहाड़ी मजदूर का काम करते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने कल गश्त के दौरान आरोपी आकिब को पल्ला तथा सलमान को सेक्टर 31 के देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आर्म एक्ट का मुकदमा दर्ज करते हुए पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिसमें पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 5 सितंबर को 1,90,000 की लूट कबूली है। ये 5 सितंबर की शाम को हमें सूचना मिली थी कि 28-29 से की बाईपास पे यहाँ पे एक व्यापारी है संजय सिंगल नाम का, वो कहीं से अपने पैसे लेके आ रहा था पल्ला एरिया से और अपने घर पे उनको लेके जा रहा था। तो उसके साथ थे 4 अज्ञात थे स्कूटी सवारों ने उसके पहले पीछे से स्कूटी उसकी गाड़ी में टकराई और इस बहाने से उसको रुकवा लिया और उसके बाद उसके मारपीट करके उसके सिर में चोट मार के उससे करीबन 1,90,000 रुपये छीन के फरार हो गए। एक्चुअली ये व्यापारी रोड़ी क्रेशर का सप्लाई का काम करता है और जिनको सप्लाई कर रखी थी उनसे पैसे इकट्ठे करके ये अपने घर पे जा रहा था। पैसे का पता इस तरह चला, एक जो इनमें एक्यूज्ड है सरफराज नाम का, उसके फादर का बिल्डिंग मटेरियल का काम है पल्ला एरिया में, तो उससे भी उस दिन ये पैसे लेके आया था। तो सरफराज को इस बात का पता था कि ये पैसे लेके जा रहा है। सरफराज ने अपने अन्य साथियों को इसकी सूचना दी और इस वारदात को अंजाम देने की। सरफराज ये सभी 5 लोगों के इस्माइलपुर एरिया के रहने वाले पल्ला एरिया, इनके खिलाफ लूट के तो नहीं चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और इनको हमने भी अब रंगे हाथों अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया।